तो गैस, आपने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक चीज़ नोटिस करी है कि हर जगह जितनी भी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ होती हैं, अब मैं किसी पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा, मैं ट्विटर की बात कर रहा हूँ, मैं फेसबुक की बात कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, इसी तरह अलग अलग इंस्टाग्राम ट्विटर, आपने देखा होगा कि जो भी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, उनके पास एक दिन में हजारों लाखों कॉमेंट्स आते हैं, ये आपने देखा होगा। अब बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं जो अनवांटेड होते हैं, जो कंपनी या एक पर्टिकुलर इंसान नहीं चाहता कि वो कमेंट्स वहाँ रहें, तो वो क्या करते हैं कि उन कमेंट्स को डिलीट करवाना चाहते हैं। अब देखो यार, जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं वो अपना इतना टाइम उनके पास नहीं होता कि वो कमेंट्स डिलीट करने जाएं, तो वो क्या करते हैं, वो कमेंट्स डिलीट करवाने के लिए आप लोगों को काम देते हैं। अब देखो, डायरेक्टली तो आप लोगों को काम देंगे नहीं, वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप लोगों को काम देते हैं जो प्लेटफॉर्म जेन्युइन होता है, ऑथेंटिक होता है और जहाँ पर उनको पूरा ट्रस्ट होता है। अब आई होप कि आप ये तो समझ गए कि काम क्या है। यहाँ पर आपका काम सिंपल से कमेंट्स को डिलीट करना है। अब देखो, कमेंट्स कौन से डिलीट करने होंगे, ये वो पर्टिकुलर कंपनी, पर्टिकुलर पर्सन आपको बताएंगे कि कौन कौन से कमेंट्स हैं जो आपको डिलीट करने हैं। अब फिर आप सीरियल वाइज सीरियल जो भी कमेंट्स वो आपको बताएंगे इससे रिलेटेड है, वो आप उनको डिलीट करना शुरू कर दोगे। अब ये सारा काम आप अपने एक मोबाइल से कर सकते हो, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म आजकल मोबाइल पे ओपन हो जाता है और उन कमेंट्स को डिलीट करने का एक्सेस भी आपको दिया जाता है ताकि आप उन कमेंट्स को डिलीट करें। अभी देखो, अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर काम की, तो इस पर्टिकुलर काम को करने वाले अभी हज़ार से भी कम लोग हैं। और आप जानते हैं कि मैं हमेशा यहाँ पर यूनिक काम आप लोगों के लेके आता हूँ, ऐसा काम लाता हूँ जिसको करने वाले बहुत कम हैं, जिससे कि आपको उस काम को करने में आसानी हो, आपको वो काम जल्दी मिल जाए। क्योंकि जिस पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं वहाँ तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा काम मिलने में, बट एक ऐसा काम जिसको करने वाले अभी पूरे इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो हज़ार से कम है, तो आपके पास बहुत बड़ा मौका है ऐसी जगह अप्लाई कर काम शुरू करने का। काम मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ कमेंट्स डिलीट का है, तो कोई ऐसा रॉकेट साइंस वाला काम तो है नहीं कि इसके लिए आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए। देखो, कमेंट्स डिलीट करने हैं, वर्ड्स जो हैं वो आपको खुद बताएंगे कि कौन से वर्ड्स वाले कमेंट्स डिलीट करने हैं, किस कैटेगरी के कमेंट्स डिलीट करने हैं, तो आपके पास सारा चीज़ अवेलेबल होगी, बस आपको वो कमेंट्स एक एक करके डिलीट करने होंगे। तो काम बहुत आसान है और इस आसान काम के अच्छे खासे पैसे आपको मिल रहे हैं। अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलर डे की, तो ईजिली यहाँ पर आप 15 से 20 मिनट में, देखो मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, जो कंपनी की तरफ से कहा गया है कि 15 से 20 मिनट, यहाँ पे जो मिनिमम अमाउंट है वो लगभग 440 रुपये के आसपास, यानी कि 450 रुपये आपको 15 से 20 मिनट में यहाँ पे मिल जाएंगे सिर्फ कमेंट्स डिलीट करने के। तो क्या आप ऐसा काम करना चाहते हैं? अगर आप भी ऐसा काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप करे बहुत ध्यान से देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ, किस तरीके से यहाँ पर आपको वर्क करना है, कैसे यहाँ पे आपको प्रोफाइल बनानी है, आपको काम कैसे मिलेगा, उस काम को आप कैसे करके देंगे, काम करने के बाद आपको पेमेंट्स कैसे मिलेगा, ये सारी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर आपसे शेयर करने वाला हूँ। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ध्यान से वीडियो को आपको देखना है। और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे जब भी मैं कोई इस तरह की वीडियो बनाऊँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। और देखो यार, 2023 निकल गया, 2024 में आप लोग बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल आपको काम मिल जाए, और मेरी कोशिश भी ये रहती है कि मैं आप लोगों को काम दिलवा के रहूं। इसीलिए मैं अपने इस चैनल पर डेली गिव अवे करता हूं, जहां पर आप घर बैठे बैठे 100 रुपये का कैश जीत सकते हैं डेली के डेली। कैसे, ये जानने के लिए छोटी सी वीडियो क्लिप अभी आप देखिए। तो यार, इससे पहले जब मैंने बताया था कि 100 रुपये आप कैसे डेली जीतने के लिए गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वहाँ मैंने बताया था कि आपको पहले घंटे में आपको जो है कमेंट्स करने होते हैं कि इस वीडियो पे कितने व्यूज़ आएंगे पहले एक घंटे में। अब इसमें बहुत प्रॉब्लम ये आ गई है कि बहुत सारे लोग जो है जब एक घंटा ख़त्म होने को होता है और सिर्फ कुछ सेकंड रहते हैं तब वो कमेंट्स करते हैं और इस तरह से वो विनर बन जाते हैं। तो इसी का ध्यान रखते हुए अब यहाँ पर जो है क्राइटेरिया बदल चुका है। आप देखिए, 24 आवर्स में, यानी कि एक दिन में कितने व्यूज़ आएंगे, ये आपको पहले 1 से 2 घंटे में डिसाइड करने हैं। यानी कि जब वीडियो अपलोड होगी, जैसे कि वीडियो का टाइम 1 बजे है या फिर 2 बजे का है, तो आपको पहले 2 घंटे के अंदर बताना होगा कि आज 24 घंटे में इस वीडियो पे कितने व्यूज़ आएंगे।
तो जो सबसे नियर बाय होगा वो हमारा लक्की विनर होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि पार्टिसिपेट कैसे करना है, सिंपल सा है। जैसे ये वीडियो अभी आप देख रहे हो, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पहले 2 घंटे के अंदर अंदर ये बताना होगा कि इस वीडियो पे 24 घंटे के अंदर कितने व्यूज़ आ सकते हैं। अगर आपका गैस नियर बाय रहा तो आप यहाँ पर हमारे लक्की विनर बन जाएंगे और आपको 100 रुपये का कैश मेरी तरफ से मिलेगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को ध्यान से देखना है, ख़त्म होने के बाद 2 घंटे के अंदर अंदर आपको गैस करना है कि कितने व्यूज़ इस वीडियो पे आ जाएंगे। थैंक यू गाइस। अभी आपने वीडियो क्लिप देखी, आई होप कि आपको ये तो पता लग गया यहाँ पे आपको क्या कमेंट्स करना है। तो जब वीडियो एंड हो जाएगी तो कमेंट्स करना है, जो सबसे नियर बाय कमेंट्स होता है वो हमारा यहाँ पे लक्की विनर हो जाता है, उसको हमारे तरफ से 100 रुपये कैश मिल जाता है। अब देखो यार, इससे रिलेटेड भी कुछ कमेंट्स ऐसे मेरे पास आते हैं कि क्या सर 100 रुपये आप दे रहे हो ये वो। तो देखो, जिनको नेगेटिव बातें करनी है वो तो नेगेटिव करेंगे, आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये एक पार्ट है जहाँ पे मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। अब जिन लोगों को हेल्प नहीं चाहिए उनको हम साइड कर देते हैं, उनको इग्नोर करना है, उनकी चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है। तो कमेंट ज़रूर करना है। अब मैं बिना टाइम को वेस्ट के चलता हूँ लैपटॉप के स्क्रीन पर, पूरा प्रोसीजर। तो चले चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। गाइस देखिए, अब आ चुके हैं आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर, और लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आखिर काम किस तरीके का है, वो पहले आप समझ लीजिए। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आई विल डिलीट यूअर गूगल बैड रिव्यूज, बैड कमेंट्स एंड नेगेटिव रिव्यूज। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि तीनों चीज़, जो भी बैड्स हैं, चाहे वो रिव्यूज़ हों, चाहे वो कमेंट्स हों, चाहे वो गूगल के बैड रिव्यूज़ हों, कोई भी हों, वो डिलीट करने के यहाँ पर देखिए ये कितना कह रहे हैं, 1280 रुपये। यानी कि 1280 रुपये ये सिर्फ ये काम करने के लेंगे। और यहाँ पे देखिए 427 रुपये हैं। यहाँ देखिए आई विल डिलीट ऑल बैड कमेंट्स जस्ट वन डे, यानी कि एक दिन में ये सब कुछ डिलीट कर देंगे और 427 रुपये लेंगे। नीचे देखिए 427 यहाँ पे देखिए 427 854 यहाँ पे देखिए 854 रुपये। ये देखिए आई विल डिलीट बैड रिव्यूज एंड कमेंट्स 854। तो ये सारी चीज़ें हैं, सिर्फ कमेंट्स को डिलीट करने का पैसा मिल रहा है। अब इससे आसान काम क्या हो सकता है आप मुझे बताइए। अब आप यहाँ पे चेक कीजिए, आई विल रिम्यूव द बैड रिव्यूज, डिलीट बैड रिव्यूज एंड बैंड कमेंट्स, और ये ले कितना रहे हैं देखिए 4267 रुपये। कैन यू इमेजिन गाइस कि इतना पैसा ले रहे हैं, देखिए 854 रुपये, यहाँ पे देखिए 854 रुपये। अब ये सदृशा टैग है और ये कह रही है कि 400। अब इनको एक बार हम यहाँ पे ओपन करके मैं आपको दिखा भी देता हूँ। बेसिक है इनका, कितना है 854 रुपये का है, वन डे डिलीवरी ये देती हैं। और इनको यहाँ पे आप रेटिंग्स देखेंगे तो 4.6 रेटिंग मिली हुई है। 5 ऑर्डर इनके अभी क्यू में है, यानी कि इनके पास 5 ऑर्डर हैं जो अभी इनको करने हैं। तो बेसिक में ये 854 है और स्टैंडर्ड में देखिए कितना है 2560 रुपये। और ये क्या कह रही है, आई विल डिलीट 3 बैड रिव्यूज एंड कमेंट्स ऑन योर प्लेटफॉर्म, यानी कि 3 बैड रिव्यूज और कमेंट्स, सिर्फ 3, और 3 दिन के अंदर ये डिलीट करेंगे और ये लेंगे कितने 2560 रुपये स्टैंडर्ड के अंदर। अब प्रीमियम के अंदर आप देखिए 5 डे डिलीवरीज मिलेगी, 5, आई विल डिलीट 5 बैड रिव्यूज एंड कमेंट्स ऑन योर प्लेटफॉर्म, और कितना ले रहे हैं 4267 रुपये का है, इस 5 दिन में 4267 रुपये। नीचे आ जाइए, अब ये देखिए इन्होंने अपने बारे में डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। नीचे आ जाएंगे, सेलर देखिए 13 है, कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है नंबर, और कब से काम कर रही है, अप्रैल 2022, यानी कि 2022 अप्रैल से, और अभी चल रहा है ये जैन, तो लगभग 1 साल होने वाला है और 1 साल से लगातार ये काम कर रहे हैं। तो आप खुद से समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा पैसा यहाँ पर ये अब तक कमा चुके होंगे। पैकेज की बात को देखिए, 1 डे 3 डे 5 डेज के अलग अलग हैं। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए इनको रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं, अमेजिंग, डोंट हेजिटेट और टू हायर देम। ये देखिए इनको रिव्यूज़ मिल रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि इनको रिव्यूज़ मिल रहे हैं, इन्होंने अच्छा काम किया है, इनको ये रिव्यूज़ मिल रहे हैं। अब यहाँ पर आपको आखिर काम कैसे करना है वो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। अब क्योंकि देखिए ये वेबसाइट है fiverr.com, और मैं आपके लिए ऐसे काम लेके आता हूँ जिनमें ज़्यादा कॉम्पिटिशन ना हो, यानी कि आपके चांसेस ज़्यादा हों कि आपको यहाँ पर जल्दी से काम मिल जाए। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें fiverr.com ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह की इनकी वेबसाइट आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर हमें अकाउंट बनाना होता है, ज्वाइन करना होता है। तो यहाँ पे देखिए ज्वाइन और साइन इन का एक ऑप्शन है, आपको ज्वाइन पे क्लिक करना है। ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आएगा,
कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद गूगल और कंटिन्यू विद एप्पल, तीन ऑप्शंस हैं। और इन तीन ऑप्शंस में से आप चूज कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। तो एक बार यहाँ पर मैं कंटिन्यू विद गूगल से कर लेता हूँ क्योंकि हमारा जीमेल अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है। तो गाइस देखिए, अब यहाँ पर ये यह मेरा अकाउंट बन चुका है, मैंने डायरेक्टली अपने जीमेल से यहाँ पर अकाउंट बना लिया है। अब ऊपर यहाँ पर देखिए आ चुका है मेरा मनुबेश 007, यू नीड टू एक्टिव योर अकाउंट। अब हमारे ईमेल एड्रेस पर एक मेल आया होगा फाइवर की तरफ से, वो हमें क्लिक कर अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना होगा। तो हम वो मेल चेक कर लेते हैं, यहाँ पर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। और मैं अपने वाले ईमेल एड्रेस को खोल लेता हूँ। तो गाइस देखिए, अभी तक वो मेल नहीं आया। अगर आपके पास ही मेल नहीं आता है तो आपको यहाँ पर रीसेंड ईमेल पर क्लिक कर देना है और मेल को योर अकाउंट इज़ ऑलरेडी एक्टिवेटेड। तो हमारा अकाउंट जो है ऑलरेडी एक्टिवेट है यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए हम चेक कर लेते हैं, अगर कॉन्टैक्ट सपोर्ट पर जाएंगे तो हम यहाँ से कोई भी सपोर्ट ले सकते हैं। अब नीचे देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। अब काम कैसे करना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट वही है जो आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए सीचे नीचे आते हैं तो यहाँ पर क्योंकि अकाउंट हमारा बन चुका है, ऑर्डर्स हमारे पास हैं, ये हमारी यहाँ पे प्रोफाइल है, पोस्ट है, रिक्वेस्ट है, रेफरल फ्रेंड है, बिकम अ सेलर है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिल गई हैं। अब यहाँ पर देखिए वेबसाइट है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, वेबसाइट मेंटेनेंस है, डेटा है, सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर अकाउंट्स में हमें दिख रही हैं। अब हमें यहाँ पर काम क्या करना है, हमें यहाँ पर सर्च करना है डिलीट बैड कमेंट्स। अब हमारे पास देखिए ये सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आ गई हैं, अब हमें यहाँ सबसे पहले क्या करना होता है, हमें यहाँ पे सबसे पहले अपना एक गिग बनाना होता है, यानी कि जो हम यहाँ पे काम करेंगे उसके लिए हमें यहाँ पे अपना एक गिग बनाना होगा। अब देखिए गिग बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने यहाँ प्रोफाइल पर जाना है और यहाँ पर आपका एक ऑप्शन आएगा बिकम अ सेलर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर देखिए लिखा गया वर्क यूर वे, यू ब्रिंग द स्किल्स, वी विल मेक अर्निंग ईजी। अब यहाँ पर देखिए आप, अ गिग इज बॉट एवरी 4 सेकेंड, ट्रांजेक्शन 50 मिलियन है और प्राइस रेंज देखिए $5 से लेकर $10,000 तक है। $5 को अगर मैं कन्वर्ट करूँ इंडियन रुपीज़ में तो ₹400 तो मिनिमम यहाँ से स्टार्ट होता ही होता है। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर हाउ इट वर्क देखिए कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है, क्रिएट अ गिग, आपको एक गिग बनाना है, डिलीवर ग्रेट वर्क, आपको अच्छा काम करना है और गेट पेड, आपको पैसा मिल जाएगा। ये चीज़ें हैं, तीन इजी स्टेप्स में यहाँ पे आपको काम मिलता है। बायर स्टोरीज हैं, आप पढ़ सकते हैं। अब आता है Q&A का, यानी कि व्हाट कैन आई सेल, मैं यहाँ पे क्या बेच सकता हूँ। तो 200 से ज़्यादा कैटेगरीज हैं जिनमें कि आप यहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर आप कमेंट डिलीट कर सकते हैं तो ये भी आप सेल आउट कर सकते हैं। हाउ मच मनी कैन आई मेक, कितना आप पैसा कमा सकते हैं। अब देखिए क्योंकि ये टोटली आप पर डिपेंड करता है, जितना आप काम करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे पेमेंट मिलेगी। हाउ मच डज इट कॉस्ट, साइज दी गई है कीप 80% ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। हाउ मच टाइम आई इन्वेस्ट, हाउ डू आई प्राइस माई सर्विस, हाउ डू आई गेट पेड, कैसे आपको पैसा मिलेगा, वो भी यहाँ पे दिया गया, जो कि ट्रांसफर टू योर अकाउंट, आपके अकाउंट में सीधा पैसा मिल सकता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड, सिंपली आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। रेडी टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइवर, हेयर्स द ब्रेक डाउन, क्या सबसे पहले लर्न वट मेक अ सक्सेसफुल प्रोफाइल, इस पर क्लिक कर आप इसको एक बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्रिएट योर सेलर प्रोफाइल और पब्लिश योर गिग, अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। वट मेक अ सक्सेसफुल फाइवर प्रोफाइल्स यहाँ पर है, उसके बारे में दिया गया है, इसको आप अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स यू वॉन्ट टू स्टीयर क्लियर ऑफ, क्या है, प्रोवाइडिंग एनी मिसलीडिंग और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर आइडेंटिटी, आपको कुछ भी गलत यहाँ पे नहीं बताना। ओपनिंग डुप्लीकेट अकाउंट्स, रिमेंबर यू कैन ऑलवेज क्रिएट मोर गिग्स, आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन है, लिंक्ड अकाउंट है और अकाउंट सिक्योरिटी है। तो चार स्टेप्स है, सबसे पहले स्टेप्स में पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपको अपना फुल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर मैंडेटरी है, ये आपको लगानी ही लगानी है। डिस्क्रिप्शन, आपको अपने बारे में डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर आप किसी भी एक का गिग उठा लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे इनका गिग उठाया है। अब
यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो इन्होंने लिखा है वो आप लिख सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है आप ये उठाकर आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए, या आप इनका गिग देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इनके नाम पे क्लिक करते हैं तो देखिए इनके नाम की है डिस्क्रिप्शन, उन्होंने इतना छोटा सा दिया हुआ है। तो इस तरह से आप चेंजेस कर आप यहाँ पर, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में ये डाल देता हूँ, हेलो माई फर्स्ट प्रायोरिटी हेयर इज़ टू गेट यू परफेक्ट डन फॉर यू, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, प्लीज़ एंटर एटलीस्ट 150 कैरेक्टर। तो अभी 89 हुए हैं और यहाँ पर आप अपना नाम, अपनी कंट्री भी लिख सकते हैं। उसके बाद आती है लैंग्वेज, कौन कौन सी लैंग्वेज आपकी हैं, तो लैंग्वेज यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेनी है, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती हैं। यहाँ पे मैं एक बार देखता हूँ, हिंदी का ऑप्शन बिल्कुल है, हिंदी है, उसके बाद इंग्लिश का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेवल लैंग्वेज पूछ रहा है तो यहाँ पर आपकी फ्लुएंट है, नेटिव है तो आप लिख सकते हैं फ्लुएंट है, ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो एक बार ये पूरा फॉर्म भरकर आगे आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने अपनी प्रोफाइल भी डाल दी है और यहाँ पे मैंने अपना डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अब आ जाता है प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपका प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है। ऑक्यूपेशन पूछ रहा है तो यहाँ पे ऑक्यूपेशन लिखना है कि ग्राफिक डिजाइनिंग है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है, प्रोग्राम एंड टेक है, म्यूजिक है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे आर्टिकल्स एंड ब्लॉग लिख सकते हैं, बिजनेस नेम एंड स्लोगन लिख सकते हैं, क्रिएटिव राइटिंग मैं कर सकता हूँ, लीगल राइटिंग नहीं कर सकता हटा दी मैंने, ईमेल कॉपी कर सकता हूँ मैं, टेक्निकल राइटिंग कर सकता हूँ, ट्रांसक्रिप्ट कर सकता हूँ, ट्रांसलेशन कर सकता हूँ, रिज्यूम कवर लेटर बना सकता हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैंने कर दी है। अब स्किल्स पूछ रहा है तो स्किल्स क्या क्या है, टाइप योर स्किल्स, क्या क्या आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं। मैं यहाँ पर राइटिंग कर सकता हूँ, ठीक है, लेवल क्या है, एक्सपर्ट है इसमें, मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद एजुकेशन पूछ रहा है तो एजुकेशन में हमने कहाँ से करी है, इंडिया से करी है, यूनिवर्सिटी क्या है, मैंने डाल दी दिल्ली यूनिवर्सिटी। टाइटल क्या है, मेजर, टाइटल में मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैं अपना सिलेक्ट कर लूँगा, आप भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है बीकॉम किया है तो मैं यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, एमए, एमएससी, बीए, बीएससी, तो ठीक है मैं यहाँ पे बीएससी कर देता हूँ। मेजर क्या है, टाइप ऑफ मेजर, मैंने गुड कर दिया। गुड ईयर कौन से ईयर में किया था हमने, तो यहाँ पर मैं अपना ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ 2019, वेरी गुड, ऐड कर दिया। अब आ जाता है सर्टिफिकेशन, अब ये सर्टिफिकेशन पर्सनल वेबसाइट जरूरी नहीं है, मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अभी पूछा मेक श्योर यू एडिट योर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड 2 to 5 योर स्ट्रॉन्ग स्किल्स, ठीक है, ऐड न्यू, यहाँ पे ईयर पूछ रहा है तो ये यहाँ पे ईयर कर देते हैं कि 2019 to 2023, ठीक है कर दिया हमने, अब कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब आ जाता है लिंक्ड अकाउंट्स, अब यहाँ पे हमें अपने अकाउंट लिंक करने हैं, गूगल वेरीफाई हो चुका है, फेसबुक ट्विटर करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। अब आ जाता है अकाउंट सिक्योरिटी, अब यहाँ पे देखिए ईमेल है, प्राइवेट है हमारा, वेरीफाइड हो चुका है, फ़ोन नंबर यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू एंड क्रिएट योर फर्स्ट गिग आ गया, यू आर ऑलमोस्ट डन, 35% हमारा डन हो चुका है, अब मिनिमम कंप्लीट रेट है 65%, कम से कम 65% आपको करना होगा। उसके लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना फ़ोन नंबर करना है, सर्टिफिकेशन करनी है, पर्सन कोई वेबसाइट उसे ऐड कर देनी है और एडिट प्रोफाइल कर देना है, तो ये आपको कर देना है। उसके बाद एडिट प्रोफाइल पर चले जाना है, अब मैं ये ऑलरेडी कर चुका हूँ तो मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा होगा, लेकिन ये जैसे मैंने बताया कि 60% रिक्वायर्ड है आपको ये सब करने के लिए, तो एक बार मैं यहाँ पे ये भी कर देता हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने वो कंप्लीट कर दिया है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है हाय मनु गेट मैच्ड विद सेलर फॉर योर प्रोजेक्ट पोस्ट आर रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे क्या है, आर यू ए फ्रीलांसर बिकम ए सेलर, ठीक है, अब ये चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। व्हाट इज़ योर स्किल्स, ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ सारी चीज़ें यहाँ पर, वो सही सारी चीज़ें दोबारा से आ गई हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें अपनी पहली जो गिग्स है वो डालनी है। देखिए यहाँ पर मेरा प्रोफाइल बन चुका है, देख रहे हैं आप यहाँ पर, अब ये पोस्ट है, रिक्वेस्ट है, बिकम ए सेलर है, सेटिंग है, बिलिंग है, इंग्लिश है, यहाँ पर जो हमें पैसा मिलेगा वो INR में मिलेगा, सारी चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पर हमें नोटिफिकेशन आ जाता है, अभी कह रहा है कि वन स्टेप अवे कंप्लीट योर प्रोफाइल विद ए क्लिक, आपको प्रोफाइल कंप्लीट कर देनी है।
तो जैसे ही आप ये कंप्लीट कर लेंगे फिर आपके सामने सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो एक बार मैं पूरा कर आगे दिखा देता हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैंने अपना एक अकाउंट क्रिएट कर दिया है जॉब सीकर्स के नाम से, और यहाँ पे देखिए मैंने एक गिग भी बना दी है। स्टार्टिंग मैंने यहाँ पे $10 रखा हुआ है, सीधी ज्वाइनिंग लिखी है। आई डू विल डू समथिंग रियली गुड मैंने यहाँ पे बनाया था, टू डे डिलीवरीज ली थी। यहाँ पे 8445 मैंने अपना सिल्वर रखा था, स्टैंडर्ड में 1280 रखा था, प्रीमियम में 2134 रुपये रखा था। तो ये देखिए मेरा है जहाँ पे मैंने मेक श्योर ये गिग इज अवेलेबल, अदर है इंग्लिश इंडिया है, यहाँ पे मेरा गिग बना हुआ है। कॉन्टैक्ट मी पे मैंने ऑप्शन दिया हुआ है, 2020 से ये मेरा यहाँ पर प्रोफाइल बना हुआ है। अब अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से अपने गिग को शेयर करना चाहें, और अगर एडिट करना चाहते हैं यहाँ से एडिट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको एक नेक गिग बना के दिखाता हूँ। अब इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा, और यहाँ पे आपको प्लस में एक मिलेगा क्रिएट अ न्यू गिग का, आपको सिंपली क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे गिग टाइटल डालना है, यानी कि जिस टाइटल से आप गिग बनाना चाहते हैं। अब जैसे यहाँ से हम किसी भी एक टाइटल का उठा लेते हैं, जैसे कि इन्हीं का है ये गिग है यहाँ पर बना हुआ। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ आई विल, ये रहा ठीक है, ये यहाँ से मैंने उठा लिया है। अब मैं अपने गिग में जाता हूँ, अपना गिग में ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने उसको डाल दिया ठीक है। ये कह रहा है इसको थोड़ा छोटा करने के लिए, तो छोटा हमने कर दिया रिव्यूज़। अब आता है कैटेगरी, कैटेगरी यहाँ से आपको डालनी है कि किस कैटेगरी में आपको यहाँ पर डालना है। ग्राफिक डिज़ाइन है, वीडियो है, म्यूजिक है, डेटा है, बिगनर्स, बिजनेस है, लाइफस्टाइल, फोटोग्राफी। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में। सब कैटेगरी क्या है इसकी, आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट है, ट्रांसलेशन है, वेबसाइट कंटेंट है। तो यहाँ पर हम कर देंगे आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट। अभी लैंग्वेज पूछ रहा है कि कौन कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हिंदी कर देता हूँ और इंग्लिश कर लेता हूँ, दो लैंग्वेज में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। अब ये कह रहा है पॉजिटिव कीवर्ड्स डालने, यहाँ पे आपको टैग्स डालने जो यूज़ 5 टैग्स मैक्सिमम, 5 टैग यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो जैसे कि मैं डाल देता हूँ राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, उसके बाद यहाँ डाल देता हूँ रिज्यूम, रिज्यूम राइटिंग, दो डाल देता हूँ बहुत है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक। अभी कह रहा है दिस टाइटल कैन नॉट कंटेन आई विल फॉर डॉलर्स, यहाँ से ही हटा देते हैं। लुकिंग गुड ठीक है। अब यहाँ ये सारा हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अभी कह रहा है लुक्स मैंडेटरी मे डाटा इज मिसिंग, कौन सा है यहाँ पे अभी चेक कर लेते हैं। अच्छा टॉपिक है, टॉपिक करना है प्लीज सेलेक्ट अप टू 2 आर्टिकल टॉपिक, तो 2 आर्टिकल टॉपिक यहाँ पे सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पे कर लेते हैं नीचे रिलेशनशिप पे और लाइफ स्टाइल पे ठीक है। अब उसके बाद टोन पे, अब यहाँ पे है कौन सी टोन होनी चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। अब आर्टिकल टाइप क्या होगा हमारा, वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे रिव्यूज़ पे कर लेता हूँ और फर्स्ट पर्सन नैरेटिव पे कर लेता हूँ, या पे यहाँ से हटा के मैं न्यूज़ स्टोरी पे भी कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमने कर दी हैं। अब हम यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे हमें क्या लोडिंग हो रहा है, अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है ठीक है। इसको हम यहाँ पर लाइसेंस इमेजेस हैं ये हैं, नेक्स्ट पे नेक्स्ट नेक्स्ट। अभी हम यहाँ आ गए इसके दूसरे पेज पर। अब हम यहाँ पे क्या करना है, अपने प्राइस सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमने प्राइस से करना है, बेसिक का क्या है, स्टैंडर्ड का है, प्रीमियम का। इसके लिए हम इन्हीं की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर ये रहा इनका, देखिए यहाँ पे बेसिक और प्राइमर इन्होंने सब कुछ अलग अलग लिखा हुआ था, जैसे कि ये था। अभी देखिए बेसिक का प्राइस है, स्टैंडर्ड का है, प्राइमियम का। आपको यहाँ से कॉपी कर अपने गिग पे लिख देना है जो कि आपका यहाँ पर होगा। उसी तरह से डिलीवरी टाइम लिखना है, कितने में सिलेक्ट यहाँ पे करना है, रिवीजन क्या है, 012 है। तो ये आपको वहाँ से कॉपी कर सिलेक्ट करके देख लेना है, जैसे वहाँ पे लिखा है उसी तरीके से यहाँ पे आपको सब कुछ सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आएगा डिस्क्रिप्शन, FAQ, रिक्वायरमेंट्स, गैलरी, पब्लिश कर देना है, दैट्स इट। तो जैसे ही आप ये पब्लिश कर लेते हैं तो यहाँ पर जो आपके सेलर्स होते हैं, यानी कि जो बायर्स होते हैं जिनको कि अपने कमेंट डिलीट करवाने होते हैं, फिर वो आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं। तो देखिए गाइस इजी है, वन टाइम वर्क है, यानी कि एक बार आपको यहाँ पे काम करना है, अपना एक गिग बना लेना है, क्योंकि इस काम पे अभी कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि यहाँ पे आपको जल्दी से काम मिल सके। लाइव मैंने आपको इसलिए करके दिखाया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो गिग बनाने में। फिर भी अगर आपको लगे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज़। तो गाइज़ आपने देखा अभी यहाँ पर मैंने कोशिश करी कि मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में बता सकूँ।
आपको बहुत ज़रूरी है उस प्रोफाइल को बनाना, क्योंकि अगर जब तक प्रोफाइल आप नहीं बना पाएंगे तो यहाँ पे आप काम भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रोफाइल बनाना है। अगर प्रोफाइल बनाने में कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। साथ ही साथ अभी वीडियो एंड होने वाली है, अब आपको कमेंट्स करना है ताकि आप हमारे नेक्स्ट ट्रेनर बन सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी जॉब रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।